दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल ब्रिज टेक में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो दोस्तों की। अगर आप कोई भी YouTube चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, या उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे ही हम अपने चैनल में जाते हैं और चैनल में जाने के बाद हम उस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो फर्स्ट वीडियो लास्ट टाइम हमने डाली थी इसी को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो में जाना होगा। और जैसे ही हम क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं तो क्रिएटर स्टूडियो ओपन होगा। जैसे कि हमने 88 वीडियोज़ डाले हुए हैं और हमें इनमें से कोई भी वीडियोज़ डिलीट करनी है, ठीक है। तो अब हमको किस वीडियोज़ को डिलीट करनी है उसे हमें देखना होगा, और उससे जैसे कि इसे करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया देता है डिलीट, तो ये डिलीट हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इन ऑप्शंस का क्या है, इसमें आप इंफॉर्मेशन और कई सेटिंग्स कर सकते हैं, इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, आइडियोज़ लगा सकते हैं, एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, कार्ड्स लगा सकते हैं, सबटाइटल दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि ये वीडियो डिलीट कर, यहाँ पे हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट बॉक्स डायलॉग बॉक्स आएगा, परमानेंटली डिलीट योर वीडियो, यू कैंट अनडू दिस, तो यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये वीडियो डिलीट हो गई। देखिए यहाँ से 88 से 87 वीडियोज हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी वीडियोज को डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। और यदि अपलोड करना है तो अपलोड करने का तरीका आपको पता है, और यदि नहीं पता है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि अपलोड कैसे करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, तो क्रिएट अ वीडियो और पोस्ट, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ से, तो मैं बता दे रहा हूँ दूसरी तरह से हो जाता है यहाँ डायरेक्ट भी। और यदि डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने माई चैनल में जाएंगे,